भोपाल से खबर है जहां पर सतपुड़ा भवन में आग लगी है और आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। पांचवी मंजिल तक आग पहुंच चुकी है। तीसरी मंजिल से ये आग लगना शुरू हुई। अब धीरे धीरे पूरे भवन को चपेट में लेती हुई। कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। करोड़ों का फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं। पानी खत्म हो जाता है, दोबारा बुला लिया जाता है, लेकिन आग बुझ ही नहीं पा रही है। देखिए तस्वीरें, विकराल रूप आग ने ले लिया। भीषण आग जो फैलती ही जा रही है। कई घंटे बीत चुके हैं, 4 से 5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन आग अभी भी नहीं बुझ पाई। हालांकि आग कैसे लगी है पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता अभी यही है कि आग पर किसी भी तरीके से काबू पाया जाए। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, कलेक्टर भी वहां पर मौजूद हैं, सीएम शिवराज भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या ये साजिश है, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेज इस भवन में रखे हुए थे जो जलकर राख हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजरें बनाए हुए हैं इस घटना पर। और सीएम शिवराज ने जांच कमेटी बनाई है। जांच के प्रारंभिक आग लगने के प्रारंभिक कारणों का पता करेगी कमेटी। सीएम ने आग के प्रारंभिक कारणों को जानने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी में एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस सरवन नीरज मंडलोई, पीएसपीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह और एडीजी फायर रहेंगे। आग लगने के प्रारंभिक कारणों का पता लगाया जाएगा और रिपोर्ट सीएम शिवराज को सौंपी जाएगी। गाड़ी है, खुद ही देखिए किस तरह से दमकल कर्मी बेचारे पुलिस जो है इन्हें कह सकते हैं धक्का लगाया है और अब गाड़ी को आगे बढ़ाया। तो ये सिस्टम भी दम तोड़ चुका है, यहाँ की जो गाड़ियां हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। इन्हें किस तरह से पुलिस के जवानों ने धक्का दिया, उसके बाद ये तो कई सारी परेशानियां यहां पर आ रही हैं। पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी खत्म हुआ, फिर बताया जाता है कि मंडीदीप से दमकल की गाड़ियां आई, और भी कई जगहों से दमकल की गाड़ियां आ रही हैं क्योंकि पानी कम पड़ रहा है। आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। धीरे धीरे आग फैलती जा रही है, भीषण होती जा रही है। विकराल रूप आग ने अब ले लिया है। परेशानी यह भी थी कि जो भवन में ग्लास लगे हुए हैं उनकी वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा था जहां पर आग लगी। फिर उन ग्लासेस को तोड़ा गया, उसके बाद फिर पानी डाला गया। तो कई सारी परेशानियां यहां पर खड़ी हो रही हैं। लगातार मेहनत की है मगर सिस्टम की जो खामी है उसकी वजह से इस आग को काबू पाने में इतना वक्त लग रहा है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18। तो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि सिस्टम की खामी की वजह से आग पर काबू पाने में इतना समय लग रहा है। और निश्चित तौर पर 5 घंटे करीब करीब हो चुके हैं, 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आग अभी भी नहीं बुझ पाई है। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ इस आग से। समय रहते भवन से सभी लोग बाहर आ गए। तो अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, सीएम शिवराज भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस घटना पर और जांच कमेटी भी बना दी है जो रिपोर्ट सौंपेगी सीएम शिवराज को। अनुराग, बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक ये आकलन किया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से
ये आग लगी है, लेकिन आग इतने बड़े पैमाने पर फैल गई, उसके मूल कारणों को के लिए अब एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। एसीएस होम यानी कि जो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव है राजेश राजोरा, उनके साथ पीएस अर्बन नीरज मंडलोई और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के सुखबीर सिंह और एडीजी फायर को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया है, जो इस बात का पता लगाएगी कि किन कारणों के कारण आग लगी और आग से बचाव के लिए जो उपाय बिल्डिंग के अंदर होना थे वो क्यों नाकाफी थे। इन तमाम पहलुओं को लेकर बारीकी से पड़ताल की जाएगी। तो तीन जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी और सरकार को रिपोर्ट देगी कि आखिर आग के कारणों का क्या कारण रहे। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे अनुराग, क्योंकि कोई आम बिल्डिंग नहीं है, सतपुड़ा भवन है, कई महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कई सारे सवाल खड़े होंगे क्योंकि कोई आम बिल्डिंग ही है नहीं, सतपुड़ा भवन है, कई सारे विभाग यहाँ पर काम करते हैं, कई सारे विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ थे, अब हम कहेंगे जो कि है नहीं, और जो फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। जितेंद्र, बिल्कुल सुमित आपने सही कहा, ये सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन है क्योंकि ये सतपुड़ा भवन है, इसके ठीक सामने अगर बात करें बल्लभ भवन, फिर मंत्रालय, फिर विधानसभा, तो ये कितना हाई सिक्योरिटी जोन है। उसके बावजूद यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाला, गनीमत। अब अच्छी बात यह है कि इस आग पर काबू पाने के लिए लगभग पूरे प्रयास हो चुके हैं, आग का अब कहीं गुबार नजर नहीं आ रहा है, मगर जो धुआं है वो जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर बाद वो धुआं भी शांत हो जाएगा, मगर इस धुएं के शांत होने के साथ वो चीजें शांत नहीं हो पाएंगी कि आखिरकार इस आग को किस वजह से तूल दी गई, किस वजह से आग लगी, किन किन अधिकारियों की लापरवाही रही, क्योंकि दोपहर में आग लगी थी उसके बावजूद इतना वक्त कैसे लग गया कि आग को काबू पाने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा, सीआरएफ को बुलाना पड़ा, उसके अलावा सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा, नगर निगम की टीम मौजूद थी, आसपास के तीन जो है जिले हैं वहां से टीम बुलाना पड़ी, सीओ रायसेन से भी और मंडीदीप से भी। तो अगर बात करें तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अभी आग की लपटें बिल्डिंग से निकलती हुई नजर नहीं आ रही है, लगभग आग पर काबू पाया जा चुका है, हम ये कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखिए। जितेंद्र, बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।